गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग आपने देखा ट्रेन जर्नी का था, जो कि पटना से राजगीर तक का सफ़र तय किया। और अभी की जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपको स्पेशल राजगीर का जो टूरिज्म है, टूरिज्म को हम लोगों ने कवर किया उसका है। और सुबह सुबह जो चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। सुबह सुबह का चाय के साथ व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जो देख रहे हैं चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आपने देखा था कि जब हम पहले बार राजगीर आए थे तो इसी दुकान पे चाय पिए थे। तो आज भी इसी अंकल के पास चाय पी रहे हैं। ये पीछे राजगीर स्टेशन है, वो आप देख रहे होंगे। तो पीछे गोलंबर से छप गया है राजगीर स्टेशन, और यहाँ पे जो सामने चाय का दुकान है, यहीं से हमने चाय पिया था जब हम फर्स्ट टाइम राजगीर आए थे। सेकेंड टाइम भी आए, यहीं पर चाय पिए। रीज़न ये है, यहाँ का चाय अच्छा है, और आज भी पिए तो आज भी अच्छा लगा इसलिए। मतलब अंकल मतलब थोड़ा सा है कि छोटा सा रेडी है, लेकिन अच्छा चाय बेच रहे हैं। पटना में तो पता है आपको, चाय का ही मतलब नया नया व्यापार, चाय वाली MBA चाय वाला ये वो पंगा ढेल का। और ये अंकल लोग आप लोग सपोर्ट करो यार, यदि राजगीर आते हो तो स्टेशन के जस्ट सामने आए हैं। ये गाइस आप देख रहे हैं, सारे मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ के मुंह से पानी निकलता है। आज तक साइंस भी नहीं पता लगा पाया कि बिहार के राजगीर में ऑटोमेटिक ये नल मगरमच्छ के मुंह से पानी आता कहाँ से। देखिए इसके मुंह से, देखिए गाइस ये मगरमच्छ के मुंह से पानी निकल रहा है, आज तक साइंस भी नहीं। गर्म पानी है, हम आपको छू के बता सकते हैं। आज तक साइंस भी नहीं पता लगा पाया कि इतना गर्म पानी कहाँ से निकल रहा है। तो खैर, एक बार आप लोग को मौका मिले तो राजगीर जरूर आइए। राजगीर के लिए पटना से ट्रेन आती है, आप लोग आके ले सकते हैं। और ये कुछ व्यू है, और ये गाइस देख सकते हैं सार्वजनिक कुंड है, इसमें सब नहाते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोग जितने भी जिंदगी में उनसे कुछ कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पाप, वो यहाँ पे धुल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का वो करें। और एक चीज़ और बता दें गाइस, आप लोग एक बार ट्रेन टाइम निकाल के जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने नहा लिया, कुछ व्यू आप जो अभी देखे हैं। और अंदर लेना मतलब वीडियो फोटो लेना मना है, इसीलिए हमने जो हमसे बन सका वो मैंने लिया और दिखाया। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग, बहुत न्यूनतम पैसा लगता है यहाँ पे आने में, 50 से 55 रुपये का टिकट होता है पटना जंक्शन से। आप भारत में कहीं भी हो, पटना जंक्शन आ जाओ। सुबह 3 बजे पटना जंक्शन से ट्रेन आती है राजगीर के लिए, और राजगीर से राजगीर आइएगा तो स्टेशन उतरिएगा, और स्टेशन से बाहर निकलिएगा, 15 रुपया लेगा बैटरी रिक्शा, जिसको आप लोग टोटो कहते हैं टाउन के भाषा में यार। तो वहीं से आप लोग फिर आइएगा यहाँ पे ना, तो ये कुंड मिलेगी, और यहाँ से फिर वर्ल्ड सफारी, जू सफारी यहाँ पे, फिर ग्लास ब्रिज, और इसके बाद गौतम बुद्ध मंदिर, शांति प्रतीक, सब आप लोग यहीं से देख सकते हैं। भारत में आप लोग कहीं से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पटना आइए, और पटना से आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और अपडेट थोड़ी देर में देते हैं नाश्ता वास्ता करने के बाद। अभी हम लोग जाएंगे फिर गौतम बुद्ध मंदिर, शांति के प्रतीक, ठीक है।
गाइज फाइनली हम लोग कुंड में नहाए, नाश्ता किया, यहाँ तक आपने देखा और ये टमटम सब जा रहा है और हम लोग लास्ट में हाय देखिए ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं और ये लोग जा रहे हैं अभी, इसके बाद हम पहुँचेंगे और ये सबसे टॉप टॉप में देखिए आप लोग दिख पा रहा होगा आपको तो कुहासा लगाया है उसमें, थोड़ा सा नहीं दिखेगा मतलब धुंध हमारे भाषा में कुहासा कहा जाता है तो वो वहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम लोग बस से आए हैं, मतलब इससे डर लग रहा था टमटम से ना, टमटम पलट जाता है इसलिए डर लगता है ना, टमटम से नहीं आए और बैटरी रिक्शा तो मतलब समझो कि भाई ऐसा है कि लूट ही रहा है समझो, मतलब ऐसा कि इसीलिए कि मतलब बस से आए हैं, बस वाला भैया 10 रुपये लिया है और यहाँ तक का, फिर रोड से थोड़ा ही दूर चलना होता है बस, इसी का ये लोग 150-200-500 लेता है और हम लोग तो ब्लॉगर हैं ना यार, एक्सप्लोर करना होता है सारा चीज़ तो मतलब कुछ भी करता है। और ये गाइस जब वो पांडव जो है, पांडव पांचों भाई इसमें छुपे हुए थे जब बारिश हो रहा था बहुत सारा, क्योंकि और इससे थोड़ा सा आगे मतलब वो है कृष्ण भगवान का भी है कुछ ऐसा मतलब साइन बोर्ड प्रतिमा है और यहाँ पे जो है ना छुपे हुए थे, जाना मना है, नो एंट्री है, मत जाओ, पुराना चीज़ है, हम लोग नहीं जाएंगे, अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि इसलिए ना यार पुराना चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि जो पौराणिक इतिहास है उसको हम लोग छेड़ें, क्योंकि देखो यहाँ पे यार ग्रिल लगा है, हो सकता है यहाँ पे टूट गया इसलिए खाली है, इसलिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे भाई। इतिहास जो है इतिहास इतिहास ही रहे तो अच्छा है, इतिहास को वर्तमान न करे तो ही अच्छा है। और गाइस यहाँ पे दोनों साइड देखोगे ना तो यार जंगल ही जंगल है, आप देख सकते हो दोनों साइड जंगल ही जंगल है। और एक बात और बता दे रहे हैं, इस जंगल में ना चीता रहता है, जब हम लोग वहाँ से आए ना तो वहीं से हम लोग को मतलब दिख गया था कि मतलब ये यहाँ पे चीता रहता है, ये है वो है, तो इसीलिए यहाँ पे सावधान होकर चलना पड़ता है, बच के चलना पड़ता है। बिहार टूरिज्म तो है नीतीश बाबू, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन जितना भी है ग्रीनरी सारा ग्रीनरी पे लिखा हुआ है बिहार टूरिज्म, लेकिन जैसा होना चाहिए नीतीश कुमार सर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री वैसे अभी नहीं है, आप देख सकते हो उसको बहुत बदलने की ज़रूरत है। आप चाहते तो राजगीर को भारत का नंबर 1 टूरिज्म प्लेस बना सकते थे, लेकिन आपने बनाया नहीं। यदि आप चाहते हैं नीतीश जी तो बिहार बहुत बड़ा टूरिज्म बन जाता है, भारत के 90% जगह के लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में भी टूरिज्म है। क्या क्या यार इतना दिन मुख्यमंत्री बहन के, और अभी भी और चाहते हो आपकी, और मेरे पीछे कुर्सी चिपका रहे सीएम का, और चले अभी पीएम बनने के लिए, बिहार को यार ठीक ना कर पाए केंद्र को क्या ठीक करोगे। आगे दिखाते हैं गाइज, और गाइज ये हम आए हैं जब शांति प्रतीक गौतम बुद्ध मंदिर के रोपवे के पास, तो ये हमको बोर्ड दिखा, कुछ खास तो बोर्ड नहीं है, कुछ खास लिखा भी नहीं है, बस यही है। और ये कुछ व्यू, क्योंकि इधर ही से हम लोग को एंट्री करना है, चलो ना पहले करना है।